हाय गाइस, वी आर बैक इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। गाइस, यहां पर बहुत जबरदस्त गेम प्ले होगी और बहुत ज्यादा रश भी है। मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूं, पहले एनिमीज पर फोकस कर लेंगे। गाइस, यहाँ पर यह बंदा जो है अपने टाइममेट को बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन मैंने इसको भी लोड़े लगा दिया। सो अगर आप लोगों को ये वाला क्लच पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो यार। सो गाइस, यहाँ पर मैं एसपी हैक यूज करता हूँ और मुझे एक बंदा जो है सपोर्ट होता है। बस आप लोग देखते जाओ क्या ही सीन होता है उसके साथ। मुझे नहीं पता यार ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा था, जो ऐसे बैठा हुआ था। पता नहीं किसको कैंप कर रहा था, कौन मार रहा था, किसके लिए छुपा हुआ था, मुझे नहीं पता। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कौन कोई है यहाँ पर या नहीं है। तो गाइज, यहाँ पर मुझे एक बंदा सपोर्ट होता है, पहले उसको मैं टोकता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। यहाँ पर इस बंदे को जब मैंने नॉक कर दिया, अब मैं यहाँ पर एसपी हैक यूज़ करता हूँ। तो आगे जब जाता हूँ तो वही एक बंदा पड़ा है। मैं सोच रहा था कि यार ये किसी और ने नॉक किया था, लेकिन इसको तो मैंने ही नॉक किया था अभी इसी वक्त। यार पबजी में सबसे बड़ी पेचौदी यही होती है यार, बंदा एक जगह पर दो तीन बंदे मारे ना, दो तीन बंदे को आप जब नॉक करोगे तो उसके बाद बंदे ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं यार। फिर वहाँ से भटकना होगा, उधर भटकाओ उधर भटकाओ, मतलब यहाँ से वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर आपको कुछ बंदे मिलेंगे, दो तीन बंदे मिलेंगे, फिर वहाँ से भाग भाग के कहीं और जाना होगा, फिर बंदे मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बेचौदी है यार। बंदा यार इतनी बड़ी जगह है, पूरी सिटी है, इसमें तो कम से कम 30-40 बंदे तो होनी चाहिए थी यार। सो गाइज, यहाँ से मैं निकलता हूँ आगे की जानेब ताकि मैं कुछ बंदे ढूंढ सकूँ, और बंदे मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ मरवा रहे होंगे। खैर, यहाँ पर एक मिल गया। गाइज, यहाँ पर मैंने एक बंदे को तो नॉक कर दिया, अब मैं आगे सीधा जाके रश कर देता हूँ। बस आप लोग देखते जाओ क्या ही सीन होंगे इस बार यहाँ पर।
गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा था इस बंदे को मारने में, लेकिन ये बहुत क्रीपर था, बहुत चालाक था, अपने आप को दे नहीं रहा था गोली के सामने। सो फिर भी आखिरकार मैं कामयाब हो गया इसको मारने में। सो फटाफट इनको लूटते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर पहले इस बंदे को फिनिश कर लेता हूँ, जो बंदा मैंने नॉक किया था, पहले इसको फिनिश कर देता हूँ, फिर यहाँ से फटाफट निकलते हैं आगे की जानिब। सो गाइस यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं पुचंकी पे। यहाँ पर मुझे एक बोट की फायर सुनने में आ जाता है, और सपोर्ट होता है एक बंदा, लेकिन वो बोट नहीं होता है, वो रियल होता है। सो गाइस यहाँ पर सामने वाले मकान में एक बंदा है, पहले इसको पिलते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। सामने वाले बंदे को चेक करते हैं पहले, इनसे निमटते हैं। आप लोग सिर्फ देखते जाओ क्या ही सीन होता है यहाँ पर। सो गाइस इस बंदे को फिनिश करने के बाद अब यहाँ से हम फटाफट निकलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, और जोन भी आ गया है, और ब्लड भी ख़त्म है मेरे पास, जो है चीज़ें वगैरह भी नहीं है। तो मैं यहाँ से फटाफट निकलता हूँ आगे की जानिब। यहाँ पर एक बोर्ड दादा है। सो गाइस यहाँ पर ये दो बंदे फिनिश करने के बाद मैं फटाफट इनको लूटता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। अब यहाँ से मैं निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ बंदे जो हैं पीछे से कैंप कर रहे हैं, लेकिन चलो खैर है, इनको छोड़ते हैं और यहाँ पर मैं फटाफट यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि यार बंदे भी ज़्यादा कम बचे हुए हैं। यहाँ पर दो बंदे पीछे रह गए हैं, लेकिन वो आएँगे हमारे पीछे, कहाँ जाएँगे। और यहाँ पर एक प्लेयर ड्रॉप भी आ रहा है, तो पहले जाके चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई है या नहीं है। कोई तो होगा ना जो प्लेयर गन चलाया उसने। और यहाँ पर सबसे पहले हम इनसे निमटते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। बस आप लोग सिर्फ देते जाओ, यहाँ पर बहुत ही गलत सीन होंगे यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है।